प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश की संवैधानिक संस्थाएं एक व्यक्ति के हाथ में चली गई हैं, जिससे फांसीवादी व्यवस्था हो गई। लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की व्यवस्था एक व्यक्ति तानाशाह बनकर चला रहा है। राहुल गांधी हमेशा जो सही बात है उसी को उठाते रहे हैं, जिसे केंद्र सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। जहां लोग इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, ऐसे में एक अकेले राहुल गांधी उठा रहे हैं आवाज। टीएस सिंहदेव ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर कहा कि आज रमन सिंह भूल गए हैं जब वे मुख्यमंत्री थे, उस समय भी कांग्रेस कार्यालय में जाकर भाजपाइयों ने अभद्रता की थी। पहला राहुल गांधी अहंकारी ने देश के हित के लिए और प्रजातंत्र संवैधानिक संस्थाओं के रक्षण और संरक्षण के लिए वो एक विशेष पहल कर रहे हैं। जब देश में कहीं ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई बोलने के लिए तैयार है, तो गिने चुने लोगों में आज राहुल गांधी हैं जो इस फासिस्टवादी व्यवस्था के माध्यम से संविधान को बदलने तक खुलेआम बात करने वालों के खिलाफ, ऐसे लोग जो विदेशों में जाके ये कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाए कि 2014 के पहले देश में कहीं कोई व्यवस्था, कोई स्वतंत्रता नहीं थी और देश के नागरिकों का योगदान देने वालों का, करोड़ों भारतवासियों का अपमान करने वालों के विरुद्ध जब कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, तो राहुल जी ने इस बात को कहा और किया। जहाँ तक वर्ग विशेष के अपमान की बात है, तो ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी के यहाँ चाय पीने के लिए आमंत्रित किए गए थे। ये हजारों करोड़ रुपए का बैंकों से लोन लेके गबन करने के बाद विदेश पलायन कर गए। ये कौन थे लोग जो खुलेआम प्रधानमंत्री जी के निवास पे चाय के लिए बुलाए गए थे? और आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के यहाँ मैं, आप या बहुत सारे लोग पहुँच तक नहीं सकते, और वो लोग वहाँ पहुँच पाए और चुनिंदा लोगों के एक समूह के साथ, 20-25-30 लोग मेरे ख्याल से रहे होंगे, वो प्रधानमंत्री जी के यहाँ चाय पान करते हैं और हजारों करोड़ रुपए बैंकों से लोन लेके विदेश फरार हो जाते हैं। उनके संदर्भ में बयान करना और उनको बचाने की कोशिश करना, ये कह के कि वो किसी वर्ग विशेष के हैं या किसी जाति विशेष के हैं, सच्चाई को ढांकने का एक और प्रयास उन्हीं लोगों के माध्यम से किया जा रहा है। तो आज जो देश में हम देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं, ये वो फासिस्टवादी ताकतें जो सहन नहीं कर सकती, जो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उन्होंने अगर दिन को रात कह दिया तो कोई ये मत कह दे कि दिन है, रात को दिन कह दिया और किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं ये तो अभी रात है, अपनी बात के विपरीत कोई भी बात करने वाले को जो स्वीकार बर्दाश्त नहीं कर सकते, दुर्भाग्य से देश की बागडोर आज लगता है ऐसे हाथों में चली गई है जो एक के बाद एक, एक के बाद एक, चाहे वो कहीं कहीं कोर्ट हो, चाहे कहीं कहीं चुनाव आयोग हो, कहीं आईटी हो, कहीं ईडी हो, अनेकों संस्थाओं को प्रभावित करके संवैधानिक ढांचे को और व्यवस्था को, वही लोग जो कहते हैं कि संविधान को बदलने की आवश्यकता है, पहचानने की उनको जरूरत है। और आज नहीं तो कल ही सच्चाई देशवासी समझेंगे। और राहुल जी का जो अदम्य साहस के साथ प्रयास है देश की संवैधानिक संरचनाओं को किसी तरह बचाने का, लोगों का ध्यान अंततः उस ओर आकर्षित होगा और देश में हमारे संविधान के तहत संवैधानिक व्यवस्थाएं और संस्थाएं बच सकेंगी।